यो सब गाइज, वेलकम बैक इन माई अनदर व्लॉग। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि हमारे साइड का पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ी है वो टीला टाइप का है, पहाड़ी नहीं, पहाड़ी तो और ऊपर है। सो आप लोगों को दिखाते हैं उस साइड का ब्यूटीफुल नज़ारा, और ये भी देख सकते हैं इस साइड का ब्यूटीफुल नज़ारा। सो एवरीवन, देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पर हमारे जो लोकेशन पे बोला था वो लोकेशन पे आ चुके हैं। और पीछे देखिए कितना सुंदर एक नज़ारा है, और आप लोगों को और भी दिखाता, लेकिन घर से फ़ोन आ गया कि पापा ने फ़ोन कर बोला घर पे जाने के लिए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा भी हो सकूँ तो दिखाऊँ। ये देखिए, सो इस साइड घर के साइड है, लोग रहते हैं इसलिए हम नीचे जाके आप लोग बैक साइड जाते हैं। ब्यूटीफुल नज़ारा था, देखिए। ओहो, तारा रिया तन्ना नाना ती ती तारो स 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 रिया। सो फाइनली अभी हम देख सकते हैं एकदम वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशन। देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ, क्या बताऊं आप लोगों को, इतना खूबसूरत नज़ारा इस साइड का कि आप लोग अगर दिखोगे तो एकदम दिल से बोलोगे वाह क्या जगह है। देख सकते हैं मेरे पीछे इस साइड, पूरे साइड, ये साइड जंगल का साइड है, और थोड़ा ये देखिए कितना ऊंचा है उस साइड। और आप लोगों को इस व्लॉग का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो आप लोग देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओए उस साइड से सूरज निकल रहा है और यहाँ से जैके निकल रहा है, ला ला ला। अरे भाई इतना ऊंचा, ये देखिए, जिन लोगों को देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस रास्ते से आया। देखिए गाइस, मैं उस रास्ते से आया था और इस यहाँ पर हूँ। ये देखिए इस साइड का नज़ारा कुछ अलग ही है भाई साहब। जिन लोगों को इस साइड का नेचुरल नज़ारा अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, और सब्सक्राइब तो बोलने का नहीं है, बोलना नहीं पड़ता आप लोग मेरे प्यारे भाई लोगों। ये देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल नज़ारा, ये देखिए कितना ऊंचा है, यहाँ पर सूरज एकदम कैमरे के ऊपर पड़ा इसलिए सुंदर नहीं। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग कितना ऊंचा है ये जगह, और इस जगह से और भी ऊंचा एक जगह है, लेकिन आज आप लोगों को ये दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था ना, पापा ने फ़ोन करके बोला, इसलिए मैं चला जाऊँगा अभी। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगा कि उस साइड का नज़ारा, ये देखिए, ये मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर थोड़ा उठूँ, उठने में रिक्स है लेकिन फिर भी उठ जाता हूँ, देखता हूँ चढ़ पाता हूँ या नहीं। अगर बंदर होता तो पूरा ऊपर चढ़ पाता। ये देखिए, अबे अबे साले नहीं, तो देख सकते हैं आप लोग इस साइड का मिट्टी। ये देखिए छूने पर ही गिर जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए छूने पर ही गिर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर एक पैर फिसल गया ना तो गए हम काम से, इसलिए अभी हम चलते हैं हमारे घर।
सो एवरीवन, अभी हम चलते हैं घर के लिए। तो मेरे प्यारे नेचर, ए ब्यूटीफुल नेचर, बाय। आप लोगों के साथ और एक दिन मुलाकात होगी। अभी हम घर के लिए चलते हैं। ओके, सो चलते रहो जी, चलते रहो। जिन लोगों का घर तो टाउन के साइड है, जैसे शहर साइड, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप लोगों के ये वीडियो व्लॉग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उस साइड, इस साइड आए, पिकनिक खाए, बहुत चोर। और हमारे उस साइड सिंदूरा है, सिंदूरा गांग, आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि बहुत लोग आकर यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, सिलचर, करीमगंज, हैलाकांदी, बदरपुर, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हमारा तो घर में पास ही है, हमारा घर तो पास में ही है, इसलिए हमें इतना कष्ट नहीं होता। हम तो फटाफट से आते और घूम के चले जाते। ये देखिए, तो अभी हम नीचे के रास्ते तक आ चुके हैं। ये देखिए आप लोग, ये नीचे का रास्ता, और अभी हम उतर रहे। बहुत धूल है यहाँ पर, पैर का हालत एकदम लाल हो चुका है। अरे भाई, फिसल गया था, गिरने ही वाला था। ओके, घर पे जाके आप लोग। गाइस, अभी आ चुके हैं हम हमारे पीएचसी के पास, और अभी हम हमारे मेन रोड से घर पे जा रहे हैं। और चलते चलते घर पे जाओ, आप लोगों के साथ बात करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखिए, ठंडे का मौसम है, जब भी गर्मी का मौसम आ जाएगा तो ऐसा कपड़ा पहनने को आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि गर्मी मुझे ज़्यादा लगता है। अपन तो बॉडी है ना, अपन बॉडी बिल्डर है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, अपना तो इतना बॉडी नहीं है, कहाँ से बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ओह, ये देखिए पीछे का, ये देख सकते आप लोग, हमारे घर के चारों ओर बहुत सुंदर है, चारों ओर हमारे घर का, हमारे घर पे भी, हमारे घर के साइड का भी नेचर बहुत सुंदर है। सो और थोड़ा रास्ता रह गया हमें घर जाने पे, तो ये रास्ते का व्यू देखिए आप लोग।